जैन साथियों, मेरे साथ में है जवान गोविंद, और गोविंद ने पेपर फिजिकल मेडिकल सब पास कर लिया। आपको बधाई गोविंद। थैंक यू सर। गोविंद, आपने तैयारी कैसे शुरू की, शुरुआत से थोड़ा बताएं, पेपर की कैसे की? शुरुआत से सर, पहले जनवरी में मैं यहाँ पे आया था, आपके पास पेपर की तैयारी की, डेढ़ महीने दो महीने पेपर की तैयारी की थी। उसके बाद मेरा पेपर क्लियर हो गया। पेपर में मतलब पीजी में तो कम ही नंबर आते थे, लेकिन वहाँ पे फाइनल पेपर में मैं 42-43 क्वेश्चन करके आया हूँ। मेरे को उम्मीद है कि 40 मेरे पर क्वेश्चन सही है। और इसमें उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिकल की तैयारी की। यहाँ पे मैं आया था 5वें मंथ में, आ गया था कुछ पेपर देने, रिजल्ट आने के बाद आ गया था, और अब मैं ऑन ग्राउंड फिट हो गया, सर के पास आया हूँ। तो गोविंद, आपको जैसे मेडिकल में पॉइंट मिला था, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कितना डर लगा, कैसे हुआ, क्या हुआ? सर, मेडिकल में तो ऐसा है, बहुत डर लगाता है सर। उसके गंगानगरी में मेरे को पॉइंट मिल गया था, तो मैंने सोचा क्या पता टूटेगा क्या नहीं टूटेगा। बहुत मेरे को तो पहले भी इसका पॉइंट का पता था, अभी पॉइंट तो मिलेगा ही, और लोगों ने भी बहुत कहा था अभी तेरे पॉइंट है ये, तू मतलब तैयारी ना कर। इसलिए मैंने बहुत डर लगा, और मैंने हौसला रखा, आपने बहुत हौसला दिया, और मेरे को MH बठिंडा दिया, इसलिए 5 बाद में वहाँ पे गया। आपने कहा भी हौसला रख के जा, कुछ नहीं होगा, टूट जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं था मेरा पॉइंट टूटेगा या नहीं टूटेगा, और आपने कहा था भी टूट जाएगा, हौसला रख। बाकी मेरा वहाँ पे एक बार तो डर लगा, बाकी बाद में टूट गया, बाकी ये सब आपकी कृपा है। तो गोविंद के माता जी का फ़ोन आया कि बेटे को पॉइंट मिल गया है और आपको पॉइंट तोड़ाना है। वो काफ़ी ऐसे बोल रहे थे, तो एक माँ की आवाज़ यहाँ लग रही थी भी, यार कैसे तोड़ाऊँ कैसे तोड़ाऊँ। लेकिन मैंने इसकी कोई सिफारिश नहीं की, ना मैंने आपके लिए कुछ किया, ये आपका अपने लक्ष्य टूट गया। तो मैं सभी छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के भरोसे मत रहिए। बहुत सारे लोग ना पॉइंट टूटने के बाद में लड़कों के पीछे हो गए, अपने ही ग्रुप के कई लड़के हैं जिनका अपने आप पॉइंट टूटा है, उनके पीछे दलाल लग गए, इस तरह गाँव आ रहा हूँ, मेरे को 20,000 रुपये दे, मैंने थोड़ा ये, वही लोगों ने मैंने शिकायत भी की है, ये ऐसे ऐसे करके बच्चों को टारगेट करते हैं। पॉइंट तो सर भाई ऐसे है भी, यार मेरे को भी ऐसे लगता था भी पॉइंट नहीं टूटेगा, ठीक है। और मैंने मेरे गांव से एक दो फौजी है, मैंने उनको भी कहा था यार मेरे को पॉइंट मिल गया, और ये सब बात बताई थी। वो उन्होंने पहले तो कह दिया मैं तोड़ा देंगे, ठीक है। बाद में जो दो दिन रह गए मेडिकल के, उन्होंने दोनों ने कहा भाई, एक ने कहा 3 लाख रुपये लगेंगे, एक ने कहा 2.5 लाख रुपये लगेंगे। सर ने कहा था ये दलाल हैं सब, ये इसके पीछे मत पड़ना। और मेरे को डर तो बहुत था, पर फाइनल मेरा मेडिकल पॉइंट हिट हो गया, अब देखो आगे फाइनल रिजल्ट आएगा। तो गोविंद के जो है पॉइंट टूट गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, आर्मी में ना तो कोई दलाल सिलेक्शन करवा सकता है, ना मैं करवा सकता हूँ, आपकी मेहनत ही करवा सकती है। अगर मान लो ये हो कि मैं सिलेक्शन करवा सकता हूँ, तो मैं अपने परिवार के बहुत सारे बंदे लगा दूँ। सही है सर। मेरे मासी के लड़के का पिछली बार पेपर पास नहीं हुआ, क्योंकि वो 20 आया। तो ये चीज़ें हैं, अभी आप मेहनत करो, मेरे पास से बहुत सारे स्टूडेंट पेपर पास कर रहे हैं, बहुत सारे दौड़ पास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और लंबा टाइम अकेडमी में दे रहे हैं। तो आप आओ, अभी नए पे ज्वाइन करो, इधर जो पूरी भीड़ है ये पेपर वाली है, एक बार इधर दिखाएंगे आपको, भवानी सिंह से निवेदन है, आपको दिखाएंगे, ये पूरे लड़के पेपर की तैयारी के लिए आ रखे हैं सारे के सारे, ये सारा नया बैच है, ये कम से कम 50 लोग यहाँ पे हैं, और 30-40 लोग वो हैं जो आ नहीं रहे, 80 लोग अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अभी आज 5-6 तारीख हुई है शायद, और 8 तारीख के बाद देख लो कितनी भीड़ होगी। तो सभी यहाँ पर पधारो, आपको अच्छा गाइड करूँगा। जय हिंद, जय भारत।